बिहार में 3 से 4 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें आरजेडी है, जनता दल यूनाइटेड है, कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है। आमतौर से ऐसा होता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है पार्टी का, उन पर कम जिम्मेदारी होती है बनिस्बत प्रदेश अध्यक्ष के, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष होता है पार्टी का उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्टी के नेताओं को एकजुट करना, और उस राज्य में कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, कार्यकर्ता नेता जमा हो, तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी होती है। लेकिन हम असल बताना चाहते हैं कि किस प्रदेश अध्यक्ष की क्या कारकर्दगी है, कितनी हाजिरी है, वो सियासत को लेकर के, वो पार्टी को लेकर के कितने सीरियस रहते हैं। आरजेडी से शुरू करते हैं। आरजेडी इस वक्त बिहार में राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी है, मौजूदा समय में उनकी सरकार भी है, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि जनता ने हमें बड़ा वोट दिया है। लेकिन उस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम है जगदानंद सिंह। उनको आपने देखा कि मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कैसे माइक को हटा दिया। जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो मौजूदा वक्त में एक तरह से सबसे नाकाम प्रदेश अध्यक्ष है। नाकाम इसलिए है कि वो पटना से बाहर कभी नहीं जाते हैं, यानी अगर प्रोग्राम मधुबनी में हो, समस्तीपुर में हो, सुपौल में हो, सहरसा में हो, सीतामढ़ी में हो, गोपालगंज में हो, सीवान में हो, यानी राज्य के किसी भी जिले में आरजेडी का प्रोग्राम हो, तो वहां पर जगदानंद सिंह नहीं पहुंचते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष कम, कॉलेज के प्रोफेसर ज्यादा लगते हैं। वो सुबह सवेरे नहा धोकर के तैयार होते हैं, पार्टी कार्यालय की एक गाड़ी है क्रिस्टा, उस गाड़ी में सवार होकर के घर से पार्टी कार्यालय आते हैं। वहां पर जो नेता मौजूद कार्यकर्ता होता है वो उनको प्रणाम आदाब करता है, सलाम करता है, और उसके बाद जगदानंद सिंह अपने कार्यालय में दफ्तर में चले जाते हैं। वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, पार्टी का जो कामकाज है वो करते हैं। उसके बाद फिर शाम को जब 5-6 बजता है तो जगदा बाबू निकलते हैं, लोग खड़े होते हैं लाइन में, आदाब प्रणाम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गार्ड होता है, ड्राइवर होता है, और फिर वो पार्टी कार्यालय से अपने घर चले जाते हैं। यानी जगदानंद सिंह का यही काम दिन का है और शाम तक का ये काम है, पार्टी कार्यालय जाना, पार्टी कार्यालय से घर जाना, घर से पार्टी कार्यालय आना, किसी बड़े प्रोग्राम में पार्टी के हिस्सा लेते हुए आउट ऑफ पटना आपने उनको नहीं देखा होगा। तो कहा जाता है कि जगदानंद सिंह जो है वो एक तरह से प्रोफेसर की भूमिका में अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री थे, जब गठबंधन नीतीश कुमार ने तोड़ा तो पार्टी ने उन्हें फौरन नेता विपक्ष बनाया। नेता विपक्ष के कुछ दिन के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। सम्राट चौधरी की कारकर्दगी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आप उनके सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे जाएंगे तो देखेंगे कि सम्राट अपनी पार्टी के लिए सही में सम्राट है, इसलिए कि वो लगातार पटना से बाहर रहते हैं। आप उनको देखेंगे सीतामढ़ी चले जाएंगे, नेपाल का बॉर्डर का वो जिला है, वहां पहुंच जाएंगे, कभी किशनगंज के इलाके में चले जाएंगे, कभी बेतिया मोतिहारी चले जाएंगे, यानी वो कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। पार्टी के काम काज में सबसे ज्यादा वक्त देने वाला अगर मौजूदा समय में कोई व्यक्ति है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी रोज सुबह निकलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, और फिर जहां जहां प्रोग्राम उनका होता है उस प्रोग्राम में वो चले जाते हैं। वक्त मिलता है तो पार्टी कार्यालय आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सरकार पर हमला करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनकी कारकर्दगी मौजूदा समय में सियासत में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और लोग इस बात की सराहना भी करते हैं। उसके बाद आइए, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा। इनकी भी कारकर्दगी तशफी बख्श है, बहुत अच्छा है। ये भी कार्यकर्ताओं से मिलने का एक समय रखते हैं, उनके आप दफ्तर में जाएंगे, उनके आप आवास पे जाएंगे तो हमेशा भीड़ लगी होती है। सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव हैं वो, लगातार खबरें देना, मीडिया से बात करना, ये सारी चीजें। और हाल के दिनों में वो पूरे राज्य में घूमते नजर आए हैं, जहां जहां प्रोग्राम हुआ, जनता दल यूनाइटेड का संगठन का प्रोग्राम हो, पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुलाया हो, तो वहां जाते हैं और लोगों को नीतीश कुमार का जो मैसेज है, जो पैगाम है वो देते हैं। तो कुल मिलाकर के उमेश कुशवाहा जो है पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित प्रदेश अध्यक्ष और बहुत मेहनत करते हैं। नीतीश कुमार से मिलना होता है तो वहां चले जाते हैं, सीएम आवास से निकले पार्टी कार्यालय से निकले अपने आवास, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं, कार्यकर्ताओं से, और फिर हर जगह पूरे राज्य में हर जिले में आप उमेश सिंह कुशवाहा को देखेंगे। अब नंबर आता है अखिलेश प्रसाद सिंह है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। जब से वो अध्यक्ष बने, पहली बार जब वो दिल्ली से लौटे, पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा, और लगा कि कांग्रेस में जान ला दिया। बापू साहब अगार पहुंचे, वहां पर लोगों से, कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, और उसके बाद भी वो लगातार प्रोग्राम करते हैं। राहुल गांधी जब पटना आए थे उसमें अखिलेश सिंह लोगों को जमा करते नजर आए, और जगह जगह जहां जहां प्रोग्राम होता है, कुछ धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ, राहुल गांधी की सदस्यता वापस आई उसको लेकर के
तो पटना की सड़कों पर वो नजर आए लगातार और जगह जगह जाकर के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, ये तीन चार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के मौजूदा समय में बिहार में, उनकी कारकर्दगी दिखाते हैं। जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपने समाज के लोग, उनकी पार्टी के लोग अगर नेता मर भी जाते हैं तो वो वहां नहीं जाना पसंद करते हैं। हो सकता है उम्र की वजह से नहीं जा पाते हो, या लालू प्रसाद यादव ने उन्हें कहा होगा कि जगदा बाबू आप ऑफिस में रहिए, लोगों को देखिए, संभालिए और सब कुछ कीजिए। हालांकि एक वक्त ऐसा आया था कि तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ रखी थी सियासत में और कई तरह का बयान तेज प्रताप यादव ने दिया, लेकिन वो सारा मान मनवल हुआ। जगदानंद सिंह इस्तीफा देना चाह रहे थे और उनके बेटे सुधाकर सिंह सरकार के खिलाफ बगावत कर गए। हालांकि अभी इन दिनों खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो कार्यकर्ताओं को समय नहीं देते, जो प्रोग्राम होता है पार्टी का वो नहीं जाते, तो एक प्रोफेसर की भूमिका में है। सम्राट चौधरी कार्यकर्ताओं को लेकर के बड़े एक्टिव रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं और करना भी चाहिए, इसलिए कि वो इस वक्त विपक्ष में है। और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, वो भी लगातार लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पार्टी को मजबूत बनाने की अथक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अखिलेश सिंह कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो ये कहानी प्रदेश अध्यक्ष की थी, पार्टी की क्या कारकर्दगी, कैसा परफॉर्म रहेगा, चुनाव को लेकर के क्या हाल चल रहेगी, वो सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल आप बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, नमस्कार।